को शिक्षा तो देती है लेकिन परिवार को जीने और भक्ति करने का संदेश इसके द्वारा ही मिलता है। शास्त्रीय संगीत से जो निबंध अर्थात शास्त्र और शास्त्रीय संगीत शास्त्रीयता जो आजकल समाप्त होती चली जा रही है लोगों के व्यवहार में जानकारी में और लोगों को अपनी जो परंपराएं हैं वह भूल करके पाश्चात्य संस्कृति को जो लोग अपना रहे हैं उनके लिए यह अनुष्ठान बहुत आवश्यक है जिसको कि धार्मिक संस्थाएं आयोजित करती हैं और हम लोग भी उसी माध्यम से उनकी सहायता लेकर के सभी जन जन को जन कल्याण के लिए ये सुंदर जानकारियाँ साहित्य की और ये संगीत की सभी को मनोहारी दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। उत्साह जगाने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? समस्त जगत की ये लालसा है चाहे आप मुंबई कह लीजिए यहाँ पर फिल्मों जगत की बात चाहे आप कहें लेकिन हम ये कहते हैं कि यही फिल्म वालों ने रामायण बनाई थी यही फिल्म वाले थे जिन्होंने के महाभारत का कितना सुंदर सीरियल और कृष्णा नाना प्रकार से भगवान की ऐसा नहीं देश में सभी प्रकार के लोग हैं यहाँ पर जो जैसा भाव रखता है कुछ लोग फिल्मी संस्कृति को मानते हैं ये ठीक है परंतु बहुत लोग इसमें धार्मिक भी हैं जो चाहते हैं और जो हमारी पुरानी संस्कृति जो है इसका अनुसरण करना चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है सभी प्रकार के लोग हैं सबको अपने अपने इच्छा अनुसार कार्य करना पड़ता है। विदेशों में भी काफ़ी शोज किए हुए हैं रामलीला किए हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है विदेशों का एक्सपीरियंस और यहाँ का? देखिए भारतवर्ष ही भगवान ने इसी भूमि पर जन्म लिया है तो अपने घर में तो सबको आनंद आता ही है पर रहा विचार कि बाहर के देशों में तो वहाँ भी आनंद की कोई कमी नहीं और हमें कई बार आश्चर्य होता है यहाँ से ज़्यादा वहाँ के लोग इन दृश्यों को देख करके बड़े आनंदित होते हैं भगवान के जो चरित्र हैं तो उनको देख करके काफ़ी शिक्षा लेते हैं और ठाकुर की दया से हम देखते हैं कि काफ़ी प्रचार प्रसार भक्ति के क्षेत्र में विदेशों में बहुत हुआ है लीलाओं के माध्यम से कथाओं के माध्यम से सत्संग के माध्यम से बड़ा सुंदर प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग जुड़ भी रहे हैं इस विधा से।